विख्यात अमेरिकी राजनेता और लेखक बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक फेमस कोट है, शायद आपने भी सुना होगा, इस दुनिया में कुछ भी तय नहीं सिवाय मौत और टैक्स के, यानी जहां कमाई है वहां टैक्स की भरपाई है। बिजनेसमैन से लेकर सेलिब्रिटी और खिलाड़ी से लेकर आम आदमी अगर कमा रहा है तो फिर टैक्स तो भरता ही है। और मैं हूं प्रियंका संभव, आपके लिए लाई हूं टैक्स पेयर्स की एक ऐसी लिस्ट जहां आपको दिखेंगे कुछ अपने चहेते नाम। टैक्स भरने के मामले में विराट कोहली ने महेंद्र सिंह धोनी और सचिन तेंदुलकर जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया है और सबसे ज्यादा टैक्स भरने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। वहीं शाहरुख खान कोहली से भी 4 कदम आगे निकल गए हैं। तो आइए जानते हैं देश में कौन सा सेलिब्रिटी कितना ज्यादा टैक्स भरता है। देश के क्रिकेट सेंसेशन विराट कोहली 31 मार्च 2024 को समाप्त हुए फाइनेंशियल ईयर यानी कि FY 23-24 में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने बम्पर कमाई के साथ बम्पर टैक्स भी भरा है। कोहली ने फाइनेंशियल ईयर 2024 में टैक्स के रूप में 66 करोड़ रुपए का पेमेंट किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोहली की नेटवर्थ 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। फॉर्च्यून इंडिया की ओर से जारी हाईएस्ट टैक्स पेइंग सेलिब्रिटीज की लिस्ट में कोहली 5वें पायदान पर हैं, जबकि शाहरुख खान पहले नंबर पर हैं। सबसे ज्यादा टैक्स भरने वाले अन्य खिलाड़ियों में टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का नाम भी शामिल है। धोनी ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 38 करोड़ रुपए का टैक्स जमा किया, जबकि सचिन तेंदुलकर ने 28 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक धोनी ने वित्त वर्ष 2022-23 में भी एडवांस टैक्स के रूप में 38 करोड़ रुपए का भुगतान किया था। सबसे ज्यादा टैक्स भरने वाले टॉप 5 खिलाड़ियों की अगर बात करें तो कोहली, धोनी और तेंदुलकर के बाद चौथे पायदान पर दिख रहे हैं सौरव गांगुली, जिन्होंने 23 करोड़ रुपए का टैक्स चुकाया है। 5वें स्थान पर हैं हार्दिक पांड्या 13 करोड़ रुपए के टैक्स पेमेंट के साथ और ऋषभ पंत ने 10 करोड़ रुपए का टैक्स चुकाया है। अब बात करते हैं सेलिब्रिटीज की, तो सेलिब्रिटीज के टैक्स के आंकड़ों पर अगर आप नजर डालेंगे तो बॉलीवुड के किंग खान यहां पर भी किंग बने हुए हैं। यानी शाहरुख खान ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 92 करोड़ रुपए का टैक्स चुकाया है। शाहरुख खान भारत में सबसे ज्यादा टैक्स चुकाने वाले सेलिब्रिटी बन गए हैं। किंग खान के बाद इस लिस्ट में तमिल सुपरस्टार थलपति विजय हैं, जो सलमान खान और अमिताभ बच्चन जैसे दिग्गज एक्टर्स को पछाड़कर दूसरे पायदान पर आपको दिखेंगे। उन्होंने 80 करोड़ रुपए का टैक्स जमा किया है। टॉप 5 हाईएस्ट टैक्स पेइंग सेलिब्रिटीज की लिस्ट में सलमान खान 75 करोड़ रुपए का टैक्स भरकर तीसरे स्थान पर हैं, जबकि अमिताभ बच्चन 71 करोड़ का टैक्स पेमेंट करके चौथे स्थान पर हैं। देश में सबसे ज्यादा टैक्स चुकाने वाले सेलिब्रिटीज की बात करें तो टॉप 5 में शाहरुख खान है, सेकंड पोजीशन पर थलपति विजय, थर्ड पे सलमान, फिर अमिताभ बच्चन और कोहली हैं, और इनके अलावा अजय देवगन 42 करोड़ रुपए का टैक्स अदा किया है, धोनी ने 38 करोड़ रुपए का, रणबीर कपूर की जो टैक्स लाइबिलिटी थी वो थी 36 करोड़ की जो इन्होंने पे किया है, सचिन तेंदुलकर 28 करोड़ का टैक्स पेमेंट कर चुके हैं। और इसके बाद हम देखते हैं ऋतिक रोशन, कपिल शर्मा, करीना कपूर और शाहिद कपूर जैसे स्टार्स हैं। साथ ही में साउथ के स्टार मोहनलाल ने 14 करोड़ रुपए का टैक्स पेमेंट किया है और अल्लू अर्जुन ने भी 14 करोड़ रुपए का टैक्स पेमेंट किया है। तो इस तरह की रोचक खबरों के लिए मनी 9 के साथ जुड़े रहिए, और अगर मनी 9 के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, क्योंकि हम बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस की दुनिया की हर खबर, हर अपडेट आपके लिए लेकर आते हैं।